हाय गाइस, आज हमको एयरपोर्ट जाना था पर हम नहीं जा पाए। ले मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी थे, वो ड्यूटी पे गए थे और उनको देर हो गई आने में, इस वजह से मेरा जाना नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि जाना तो है, ऐसे में अपने कज़न से भी मिल के आते हैं और दवा भी लेके आते हैं। ये एक मेरे ही बाजू में बहुत ही बड़ी मस्जिद है, यहाँ अक्सर यहाँ समटाइम मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ। मेरे हस्बैंड तो एवरी फ्राइडे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा ये आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और दवा के लिए है, मेरे जो देवर जी हैं उनको थोड़ा स्टोन सफरिंग है, दैट्स वाई मुझे तो ये टेक करना ही था दवा। इस वजह से मैंने सोचा कि हम लोग दोनों काम करके आते हैं, दवा भी लेके आते हैं और मिल के भी आते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बहरीन के बहुत ही अच्छा प्लेस है जो ये फेमस है। मैं इसका नाम नहीं जानती लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं। ये मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा, इसमें 3 कलर दिख रहे हैं और मुझे थोड़ा इंडिया का भी याद आ गया कि हाँ देखो ये क्या चीज़ है। और मैंने इस वजह से आपको भी शेयरिंग की है क्योंकि जो दवा आई है इंडिया से आई है, मेरी फैमिली ने दिया है और यहाँ दवा लिया लेकिन आराम नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसे हम जाते हैं, अपने कज़न से सबसे मिलके भी आते हैं और दवा भी लेके आते हैं। मैं आपको एक बिल्डिंग भी दिखाने वाली हूँ जो रेड बिल्डिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने सोचा आपको भी दिखा देते। ये देखिए, आप बताइएगा कि ये बिल्डिंग कैसे आपको लगी है। ये तो मुझे बहुत ही वंडरफुल लगा और मुझे भी बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि ये अपने मोबाइल में कैच करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप इसको प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे लगा। और आगे चल के मैं एक चीज़ और दिखाती ही हूँ आपको, मून दिखाती हूँ। मैंने ऐसे सडनली ऐसे मैंने देख लिया, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि हाँ मैं अपने कज़न से मिलने जा रही हूँ, वहाँ मेरे अपने हैं, अपने घर से कुछ आया है। ये मून देखिए, मैं यहाँ अचानक ऐसे देखा तो मैंने सोचा इसको अच्छे से पास से ही खींचती हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी देखा नहीं, 2 ईयर्स तो बीत गए, 2 ईयर्स, लेकिन मैंने मून को देखा नहीं। और मैं मनामा तो अक्सर जाती हूँ लेकिन मनामे में इतने क्राउड होते हैं कि वहाँ दिखता नहीं है। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ ओपन हो रहे हैं कार्टून और सब लोग अच्छे से यहाँ खड़े हुए हैं अपना सामान देखने के लिए, एक्साइटेड हैं कि हाँ मुझे मेरा सामान मिलने वाला है। एक बात मैंने यहाँ ये देखा है कि जो परदेसी होते हैं या अपने घर से या इंडिया से कोई भी चीज़ ऐसा आता है तो जैसे लगता है कि हाँ क्या आ गया है, क्या मैं देख लूँ। और खाने के लिए तो सब कुछ यहाँ मिलते हैं लेकिन अपने घर की बात ही दूसरी होती है। क्लीम भाई ने देखो सबको बांटना स्टार्ट कर दिया, जिसका जो अपना था उनको दिया, फिर मेरे लिए भी जो था मेरा भी दिया, मुझे मेरी दवाई और मेरे भी थोड़े सामान आए थे वो भी मिला। और इन्होंने कुछ मुझे मटन बना के लेके आए थे वो भी मुझे सर्व किए, मिठाई भी दिए हैं, आप देख सकते हैं वो मेरे लिए निकाल रहे हैं और थोड़ा मिठाई भी है। मिठाई आपको कैसी लगी ये बताइएगा। हलवा भी है, गुजिया है, सिंघाड़ा है ये, और ये स्टोन का जो है दवा है, मैं नहीं जानती इसका क्या नाम है लेकिन आपको पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। ये भी स्टोन की ही दवा है जो इंडिया से आई है, ये कैसा आपको लगा।